महोदा थाना क्षेत्र के राधानगर महतो टोला निवासी अजय रजक के घर में बीती रात बुधवार को चोरों ने लाखों की संपत्ति से किया हाथसाफ। वहीं अजय रजक ने बताया कि होली को लेकर वह बीते दिनों 3 दिनों से महोदा बाजार स्थित अपने दुकान में सोया करता था। इस मौके का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने आगे कहा, जब वह सुबह दुकान से लौटा तो देखा कि उनके घर के दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ है। जब वह घर के अंदर गया तो देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। सामान बिखरा देखकर उन्होंने चोरी की आशंका जताई और अपने परिजनों सहित आस पड़ोस को बुलाया। आस पड़ोस के लोगों ने महोदा पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। कहा अजय रजक ने इसकी सूचना महोदा पुलिस को दिया। सूचना पाकर महोदा पुलिस उनके घर आकर घटनास्थल का मुआयना किया और पूछताछ कर लिखित आवेदन थाने में देने को कहा। वहीं पीड़ित ने घटना की चोरी हुए सभी सामग्री की सूची बनाकर चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित के लिखित आवेदन के अनुसार घर के दरवाजे पर लगा ताला को तोड़कर घर के अंदर रखे एक अलमारी के पल्ले को तोड़कर उसमें रखी 20,000 नगद एवं घर के दूसरे कमरे में रखे 2 बक्से का ताला तोड़कर सोने की महंगे कई आभूषण को लेकर चोर फरार हो गया। वहीं चोरों ने घर पर रखे सभी सामानों को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया। इस चोरी की घटना पर महोदा थाना प्रभारी आलोक सिंह ने कहा, क्षेत्र में मेरे प्रभाव लेने के बाद यह पहली चोरी की घटना है। किसी कीमत पर क्षेत्र में चोरी करने वाले चोरों को बक्सा नहीं जाएगा, जल्द ही चोर हमारे गिरफ्त में होंगे। कि रात में हम तो 2 दिन से यहाँ होली में सो रहे थे दुकान में, जिसके कारण हम घर में नहीं सो रहे थे और कल रात घर में हमारा चोरी हो गया, ताला काट कर ले गया चोरों। ये जितने भी सामान देख रहे हैं बिखरे पड़े हुए हैं। कितने का सामान गया होगा? लगभग लगभग 10 लाख रुपये का सामान गया। क्या क्या सामान था उसमें? लगभग माँ का सोना का नेकलेस था और 2 ठो बाला था हाथ का और झुमका था कान का। केस पैसा वगैरह भी है क्या? हाँ, 20,000 रुपये केस थे। किसी पे शक वगैरह ऐसा कुछ? अज्ञात चोरों रात में चोरी हुआ इससे पता नहीं चलता किस में शक करे। शक तो कोई घर में कोई सब कुछ सही है, मगर बाहर के ही कोई होगा।